तो क्या आप शोल्डर विड्थ को बढ़ाना चाहते हो, अपने शोल्डर का साइज इंक्रीज करना चाहते हो और अपने शोल्डर्स को राउंड करना चाहते हो? तो आपने भी काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई कर ली मेरी तरह शोल्डर विड्थ को बढ़ाने के लिए, बट फिर भी शोल्डर विड्थ बढ़ नहीं रही है, साइज चौड़ा नहीं हो रहा है शोल्डर्स का। तो आज मैं आपको विद प्रूफ ऐसी समरी दूंगा शोल्डर्स के ऊपर, जिससे आपके सारे डाउट्स शोल्डर बढ़ाने के, जिससे नहीं बढ़ रहा है, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। रात के 10 बज गए हैं और जिम बंद कर रहे हैं, तो जल्दी जल्दी मैं तुम बताता हूँ, जल्दी से वीडियो को एंड तक देखना। और मेरे चैनल की वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और जल्दी से बढ़ते हैं अपने शोल्डर की सारी चीज़ें डिटेल में, फुल डिटेल में समझाऊंगा, ईजी समझ आ जाएगी। और अगर शोल्डर का साइज नहीं बढ़ रहा तो फिर भी बढ़ जाएगा, तो वीडियो को एंड तक देखो। तो गाइज अभी सीन ऐसा हुआ है कि भैया आ गए और रात के बज रहे हैं 10, वैसे बोल रहे हैं कि रुक जा बना ले, बट ऐसे क्यों कष्ट देना, घर पे जाके देता हूँ, तो वैसा मेरी वीडियो कंटिन्यू है। तो जिम से घर आ गए हम, तो वीडियो हमने बताया था मैंने कि यहाँ से शुरू करेंगे हम। पहला पॉइंट हमारा आता है, तो क्या आपके जेनेटिक्स वैसे हैं कि शोल्डर के विड्थ को डिस्प्ले कर पाए हो, कि तुम्हारी चौड़ी फ्रेम हो सकती है या फिर नहीं? तो इसको समझते हैं कि इसमें जेनेटिक्स रोल प्ले करता है बड़ा या फिर नहीं। तो कई बार ऐसा लगता है कि हम एक्सरसाइज करेंगे, राउंड शोल्डर बनाएंगे और हम चौड़े लगेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। एक्सरसाइजेस भी बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में या नेक्स्ट स्टेप में, बट पहले जेनेटिक्स समझते हैं, क्या तुम्हारे जेनेटिक्स वैसे हैं जो तुम्हारे शोल्डर के डिस्प्ले को बड़ा दिखा सके या चौड़ा दिखा सके। कि अगर आपका वाइड शोल्डर नहीं है और नैरो वेस्ट का, तो तुम्हारी शोल्डर विड्थ तुम जितना मर्जी वर्कआउट कर लो, तुम्हारी शोल्डर विड्थ बड़ी नहीं लगेगी या चौड़ी नहीं लगेगी, तुम बॉक्सी से ही लगोगे वैसे ही। जैसे मेरी भी उतनी वो नहीं है, क्योंकि मेरी कमर काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, जैसे कि 32 इंचेस के आसपास समझ लो, इसलिए मेरी ओवी टेपर लुक नहीं आती। तो नेचुरल लिफ्टर्स के केस में ये बहुत मैटर करता है, अगर कोई इनहेंस्ड स्टफ नहीं लेता या फिर स्टीरॉयड्स वगैरह नहीं लेता, तो उनके केस में काफ़ी ज़्यादा जेनेटिक्स रोल प्ले करते हैं। नेचुरल लिफ्टर्स के केस में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर मान लो जेनेटिकली तुम्हारी वेस्ट काफ़ी चौड़ी है, मान लो 28 से ऊपर, जैसे 30-32 इंचेस के आसपास तुम्हारी वेस्ट है, तो तुम काफ़ी ज़्यादा ट्रेन भी कर लोगे अपने शोल्डर्स को और वाइड भी हो जाएंगे, तो उतने चौड़ी नेचुरली तुम्हारा पॉसिबल नहीं है लगना, ठीक है? तो इस बात को समझो, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। और अगर तुम्हारा वेस्ट पतला है 28 इंचेस, तो थोड़े बहुत भी शोल्डर तुम्हारे अच्छे होंगे ना, तो वो वी टेपर लुक आती आती है और वो नैरो वेस्ट का इल्यूजन क्रिएट करेंगे, जैसे वाइड शोल्डर का। ये बहुत सही तरीका है, जिनको काफ़ी टाइम हो गया ट्रेनिंग करते हुए या जिम जाते हो, उनको समझ आ जाएगा इजी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे को भी ऐसा लगता था, क्योंकि मेरी फ्रेम तुम देख सकते हो फोटो में भी या वीडियो में भी, कि स्ट्रेट स्ट्रेट ही लगती है, ज़्यादा वो वी टेपर लुक नहीं आती, जैसे मेरे दोस्त की भी आती है, तो उस टाइप की नहीं लगती, क्योंकि मेरी वेस्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। दूसरी बात, यहाँ पे क्लेविकल बोन की भी आती है, क्योंकि मेरी बोन यहाँ तक ही है छोटी सी, उसके ऊपर मैं कितना ही मास पुट ऑन या मसल पुट ऑन कर सकता हूँ, तो वो भी चीज़ मैटर करेगी तुम्हारी बोन साइज। अगर यहाँ से तुम्हारी बड़ी होगी तो उसके ऊपर मास लगेगा या मसल लगेगा, ये चीज़ भी मैटर करती है, तुम मानो या फिर नहीं मानो, बट जेनेटिक्स रोल प्ले करते हैं। मान के चलते हैं अगर तुम्हारी नैरो वेस्ट उतनी भी नहीं है, फिर भी गेम चेंज कहाँ पे होती है, जब तुम स्टीरॉयड्स पे जंप कर देते हो। तो जब भी आप इस तरह की इनहेंस्ड लाइन में चलते हो, तो वहाँ पे हर एक स्ट्रक्चर मसल का इंक्रीज होता है बहुत फास्ट रेट में, उसकी वजह से आपका जो शोल्डर एरिया है, जहाँ पे एंड्रोजन रिसेप्टर ज़्यादा बढ़ते हैं और वो डेल्ट और शोल्डर वाला एरिया काफ़ी जल्दी ग्रो होता है, तो उसकी वजह से अगर उनका वेस्ट लाइन उतना चौड़ा भी है, फिर भी वो ऊपर से काफ़ी ब्रॉड लगते हैं। बट ये एक स्टीरॉयड का केस है, बट अगर तुम नेचुरल लेके चल रहे हो, वेस्ट तुम्हारी फिर भी पतली है, तो फिर समझ के चलो कि 3-4 साल काफ़ी ज़्यादा ट्रेन करने के बाद, जब तुम्हें एक्सपीरियंस जाएगा काफ़ी ज़्यादा, उसके बाद ही तुम्हारा डेल्ट शोल्डर पूरा अच्छे से डेवलप होगा, मसल मैच्योरिटी उसके बाद ही आएगी एक्सपीरियंस के साथ साथ, और तब जाके तुम्हारा पूरा डेल्ट ओ बिल्ड होगा अच्छे से, राउंडनेस आएगी, जैसे कि फ्रंट डेल्ट, मिड और रियर डेल्ट। तो ये सारी चीज़ें समझो, बस ऐसा मत सोचो कि तुम एक्सरसाइज किए जा रहे हो। जैसे मैं, मेरे को काफ़ी ज़्यादा लगता था स्टार्टिंग में कि यार मेरा शोल्डर उतना चौड़ा नहीं हुआ था, फिर समझो कि तुम्हारी फ्रेम ही वैसी है कि तुम वैसा स्ट्रक्चर बिल्ड नहीं कर सकते। मतलब ब्लाइंड गेम मत खेलो कि तुम्हें पता नहीं है कुछ भी और तुम खेले जा रहे हो, तो ऐसा नहीं है, समझो अपनी बॉडी के हिसाब से भी। और ऐसा भी नहीं होता कि तुम्हें 7-8 साल हो गए हैं वर्कआउट करते हुए और तुम स्टीरॉयड्स वाले बंदे की तरह इतना बड़ा फ्रेम या चौड़ी फ्रेम कर दोगे, तो वैसा भी नहीं होता। वो एक डिफरेंट शेप होता है, बहुत अलग स्ट्रक्चर होता है और गेम ही अलग होती है पूरी, तो नेचुरली वो चीज़ तुम अचीव नहीं कर सकते। बट ऐसा नहीं है कि तुम बॉडी नहीं बना सकते, नेचुरली तुम अच्छी फिजिक बना सकते हो काफ़ी टाइम लगाने के बाद, काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद,
तो कंपेयर मत करो अपने आप को किसी से कि मेरे को इतना टाइम हो गया है और फिर भी ऐसा नहीं हो रहा। मेरे मन में भी ऐसे ख्याल आते हैं कि यार ऐसा इतना टाइम हो गया फिर भी कुछ नहीं हो रहा। अपने जो गोल है उनको रियलिस्टिक रखो। ऐसा नहीं इंस्टाग्राम पे किसी को देख रहे हो तुम, पता नहीं उसने लिया है या फिर नहीं लिया स्टेरॉइड और तुम जा रहे हो कि उसकी तरह क्यों नहीं बन रहा। तो वैसा रखो, अपनी तरह बनो, खुद टाइम दो, बनेगा शोल्डर, सबका बनेगा। बट फ्रेम को भी समझो अपनी बॉडी, सबकी बॉडी का स्ट्रक्चर अलग होता है, तो समझो, ब्लाइंडली गेम मत खेला। और एक नेचुरल लिफ्टर या नेचुरल बॉडी बहुत टाइम लेती है ग्रो होने में। थोड़े बहुत सालों के एक्सपीरियंस के बाद तुम्हें समझ आता है कि हाँ अब थोड़ा लग रहा है कि मैं अच्छा बॉडी बना चुका हूँ। जो सेकंड पॉइंट पर आता है, ऑलवेज स्टार्ट योर वर्कआउट विद लेटरल और रियर डेल्ट से। जैसे तुम विड्थ देखते हो ना अपने शोल्डर की, तो वो ज़्यादा रियर डेल्ट और मिड डेल्ट से आती है, ठीक है। तो काफ़ी लोग सोचते हैं जब हम लेटरल रेजेस ट्रेन करेंगे या साइड रेजेस जो बोलते हैं वो ट्रेन करेंगे तो हमारी ऑटोमेटिकली विड्थ बढ़ जाएगी बॉडी की, फ्रेम चौड़ी हो जाएगी। तो ऐसा भी नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारा रियर डेल्ट भी, बहुत बड़ा होता है रियर डेल्ट भी। और बहुत सारे लोग इसको ट्रेन नहीं करते हैं, इसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा विड्थ आती है शोल्डर की। आपके रियर डेल्ट का काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल होता है आपकी विड्थ में। तो अगर आप अपना शोल्डर वर्कआउट प्रेसेस से नहीं सीधा रियर डेल्ट से या साइड डेल्ट से स्टार्ट करते हो, तो तुम्हें कौन सी एक्सरसाइज सबसे पहले करनी चाहिए, जो कि तुम्हें स्क्रीन पर दिख रही होगी, चेस्ट सपोर्टेड साइड रेजेस, जो कि तुम ज़्यादा हैवी डंबल से नहीं करोगे, कम लाइट वेट डंबल से। ज़्यादा रेपिटेशन निकालना जब तक तुम्हारा बर्न आउट नहीं होता शोल्डर, मैं उसको ही कह रहा था जिम में भी, तो वो बस चेस्ट सपोर्टेड करना, उसमें तुम चीटिंग नहीं कर पाओगे और तुम्हारे शोल्डर काफ़ी ज़्यादा बर्न होंगे, अच्छे से मज़ा आएगा तुम उसको करने में। इसको करने के बाद तुम अपने नॉर्मल रियर डेल्ट को टारगेट कर सकते हो। मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है रियर डेल्ट की, वो रिवर्स पैक फ्लाई और बेंच पे लेट के लीन होके, वो रियर डेल्ट की वो भी अच्छी लगती है मेरे को, तो वो भी तुम कर सकते हो। बाकी फेस पुल वगैरह मैं ज़्यादा करता नहीं हूँ, रिवर्स पैक फ्लाई तुम कर सकते हो रियर डेल्ट को टारगेट करने के लिए भी। ये सारी एक्सरसाइज तुम ट्राई करो और काफ़ी अच्छा स्ट्रेच मिलेगा तुम्हें सिंगल आर्म से करने पे, ठीक है। तो अब तुम बोलोगे फ्रंट डेल्ट ऑय हमने ट्रेन नहीं किया, तो तुम उसके बाद उसको फ्रंट डेल्ट ऑय को भी प्रेसेस से ट्रेन कर सकते हो, प्रेसेस से आर्नोल्ड प्रेस या डम्बल प्रेस या मिलिट्री प्रेस, जो तुम करना चाहो उसके बाद तुम कर सकते हो। इससे तुम्हारी ओवरऑल पूरे शोल्डर की विड्थ काफ़ी अच्छी लगेगी। एक्सरसाइज समझने के बाद अब आते हैं बॉडी फैट परसेंटेज का कम रखना, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है। जो आप 10 से 12 बॉडी फैट परसेंटेज रखते हो साल भर में, वो नेचुरली पॉसिबल है रखना, बट वो भी काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है। तो आप वो मेंटेन कर रहे हो तो तुम्हारी शोल्डर की विड्थ और राउंडनेस काफ़ी अच्छी दिखेगी। तुमने देखा होगा काफ़ी जो छोटी फ्रेम होती है जिनकी, बट फिर भी वो श्रेडेड होते हैं, काफ़ी ज़्यादा बॉडी फैट परसेंटेज कम होता है, या फिर जिनका फैट नहीं चढ़ता बॉडी पे उनका शोल्डर तुम देखा होगा श्रेडेड होते हैं। तो छोटा भी होता है साइज तो फिर भी काफ़ी ज़्यादा श्रेडेड और बड़ा लगता है। जैसे मेरा स्ट्रक्चर है, मेरी बॉडी है, ठीक है, तो मैं अभी अगर मेरे बॉडी फैट परसेंटेज काफ़ी हाई होगा, जैसे मान लो 14, 15, 16, ठीक है, तो मैं अपना शोल्डर दिखाऊं और मेरे से कोई कम साइज का बंदा जो थोड़ा कम बॉडी फैट परसेंटेज पे होगा, ठीक है, 10, 12 के आसपास, ठीक है, तो उसका शोल्डर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा मेरे शोल्डर से, क्योंकि बॉडी फैट परसेंटेज कम है तो उसके पूरे फाइबर्स डेल्ट सारे दिखेंगे सेपरेशन अलग से, ठीक है। तो ये भी एक अलग सा मैटर करती है ये चीज़। तो देखो 10 से 12 बॉडी फैट परसेंटेज रखना, ये भी काफ़ी मेहनत लगती है इसको, ठीक है, पर अगर आप बचपन से ही जेनेटिक्स सीएस हैं कि बॉडी फैट कम चढ़ता है या फिर जल्दी बर्न करते हो, तो ही ये चीज़ करना बॉडी फैट परसेंटेज कम, वरना मुश्किल हो जाएगा ये करना तुम्हारे लिए। 12 से 10 बॉडी फैट परसेंटेज करने के लिए बहुत ज़्यादा क्लीन डाइट, कैलोरी डेफिशिएंट करना पड़ता है फॉलो, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्लान हो जाता है सब कुछ। तो नॉर्मली तुम्हें फिट रहने के लिए 12 से 15 बॉडी फैट परसेंटेज ठीक है, तो मैं वही रिकमेंड करूंगा तुम्हें कि उतना ठीक है, कोई ज़्यादा उतनी ज़रूरत नहीं है ड्रॉप डाउन करने की। बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की, जो कि पॉस्चर बहुत मेंटेन करता है, जो तुम्हारी पोजिंग वगैरह या कुछ भी होता है, तुम वीडियो के लिए पोजिंग करते हो या फिर किसी भी चीज़ के लिए पोजिंग करते हो, फोटो खिंचवाने के लिए, वीडियो के लिए, तो पोजिंग भी बहुत ज़्यादा। अब मैं ऐसे खड़ूंगा, ऐसे बैठूंगा, तो मेरी शोल्डर फ्रेम काफ़ी ज़्यादा वो लगेगी छोटी सी, ठीक है। अगर मैं ऐसे हो जाऊँगा या फिर ऐसे रहूँगा तो मेरी शोल्डर फ्रेम थोड़ी बड़ी लगेगी, ठीक है। तो ये भी ज़्यादा रोल प्ले करता है कि तुम कैसे पोज करते हो, कैसे खड़े होते हो जब तुम वीडियो बनाते हो, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। और लास्ट पॉइंट बात करते हैं लाइटिंग, लाइटिंग भाई बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तुम मानो या ना मानो, कई जगह पर ऐसी लाइट होती है, तुम श्रेडेड भी होंगे तुम फिर भी तुम्हारे फाइबर्स दिख रहे होंगे तुम्हें, बट लाइटनिंग की वजह से वो चीज़ें नहीं दिख पाएगी, ठीक है। पर अगर लाइटिंग बढ़िया होगी, ऊपर से एक फोकस लाइट बज रही होगी और बाकी सारी बंद, तो तुम अगर कम भी श्रेडेड होंगे, बॉडी साइज तुम्हारा ज़्यादा भी होगा, फिर भी तुम्हारे कट्स अच्छे दिखेंगे। तो भाई लाइटिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। लोग बोलते हैं ना कि नहीं करती लाइटिंग मैटर, बहुत बहुत मैटर करती है लाइटिंग,
बहुत फर्क पड़ता है एक लाइटिंग से। तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप तुम्हें वीडियो से थोड़ी हेल्प मिली होगी या समझ आया होगा थोड़ा। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मैं तो जल्दी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, पीस।